नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है कुशीनगर में और आप खुद देख सकते हैं यहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। वहां पे ऊपर आप देख सकते हैं एक लेबल लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा वाचिका बाल साध्वी अनुष्का पाठक जी। और आप इंटरव्यू में देख चुके हैं, अनुष्का पाठक जी के हम लोग घर पर हैं और ये अनुष्का पाठक जी के पिताजी हैं और बगल में एक महाराज जी हैं। हम लोग थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस समय धर्म को लेकर और सनातन धर्म को लेकर, रामचरित मानस को लेकर प्रदेश में तमाम प्रकार की लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है। तो ऐसे में विद्वानों का क्या कहना है और वो दर्शकों को क्या, अनुष्का के पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी। जी, आपके दर्शकों को जो देख रहे हैं आपके चैनल में जुड़े सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको बता दें कि ये महाराज जी की बिटिया अनुष्का जी हैं और महाराज जी भी बहुत अच्छा लोगों को समझाते हैं ज्ञान की बातें सनातन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम महाराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने देश के ही एक महज 26 वर्षीय संत कहा जाए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, जिनके ऊपर लगातार कुछ लोगों ने बहुत तमाम प्रकार के बयान दे रहे हैं, तमाम प्रकार की टिप्पणियां, और इस समय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जो लोगों के बारे में जानने की शक्ति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं रोज बागेश्वर सरकार हनुमान जी महाराज को मैं खुद प्रणाम करता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि वो जो है कैसे ये सब करते हैं, तो जो धीरेन्द्र दास जी महाराज हैं केवल अपने देश में अकेले वो नहीं हैं कि केवल कृपा पात्र हैं, बहुत सारे लोग कृपा पात्र हैं। भागवत जी में एक श्लोक आता है, बड़े श्लोक होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब ब्रह्मा जी आए, बछड़ा और सखा चुरा कर ले गए थे चेक करने के लिए भगवान कृष्ण वास्तविक भगवान है कि नहीं है, क्योंकि वे जूठा खा रहे थे। सभी अपने मित्रों के साथ में बैठ करके ग्वाल बाल के साथ में जूठा खा रहे थे प्रभु। ब्रह्मा जी देखे ऊपर से, अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान कैसे हो सकता है, जो जूठा किसी का खाए वो भगवान हो सकता है? तो इसलिए थोड़ा चेक करें, तो बछड़ा और सखा चुरा ले गए। लेकिन देखे तो फिर यावत वस्य कवस्व कालक कवपुर यावत क्रांघ्रादिकम यावत अष्ट विषाण वेणु दलसित यावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणाभिधा कृतवयो यावत विहार आदिकम सर्वम विष्णुमयं गिरुंग बदज सर्वस्वरूप बभु। सब कुछ भगवान बन गए, छड़ी बछड़ा सखा सब बन गए, झोरा झंटा सब बन गए, और जैसी जिसकी आकृति भाव भृंगी चेहरे का सब कुछ बन गए प्रभु। ब्रह्मा देखे कह, अरे मुझसे गलती हो गया, तुरंत जो है बछड़ा सखा तुरंत वो चेक करके दे दिए। लेकिन यहाँ के समय से एक साल बीत गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का समय ज़्यादा होता है, ले आकर दे दिए। और देने के बाद हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना करने लगे, बोले नौमी व्यते भ्रव पुषे तड़िदम्बराय गुंजायतन सपर पिछल सन्मुखाय वन्य श्रिय कबल वित्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिय मृदुपदे पशुपंगजाय। आप जो है यादों के वंश में आकर के और गोधूलि में धूसरित होकर आप खेल रहे हैं, गौ चराने वाले के घर आप प्रभु आए हैं, इसलिए हमको भी भ्रम हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा महाराज, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है प्रभु कि आप सब पर बराबर कृपा करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, क्या हालचाल है महाराज, अरे भगवान की कृपा आप पर ज़्यादा है, मेरे पर थोड़ा कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा सामान रूप से बरस रही है। अब आपके पास जितना लीटर का बर्तन होगा उतना जो है आप ले लीजिए। तो सामान्य रूप से हनुमान जी की कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन मुझे लगता है महाराज धीरेन्द्र दास जी जैसा पात्र कोई नहीं है। तो वो पात्र उनके पास है, वो रखे हुए हैं, और जिस कृपा के द्वारा, भगवान के कृपा के द्वारा, हनुमान जी के कृपा के द्वारा सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उसमें किसी एक वर्ण का लोग नहीं है, एक वर्ण के लोग नहीं है, सभी वर्णों के लोग। जाके देखिए वहाँ,
सभी जो वहाँ जात पात नहीं पूछा जाता है, सबको जो है कल्याण किया जाता है। किसके द्वारा? पैसा भी नहीं लगता है, हनुमान जी महाराज के कृपा से। वो खुद कहते हैं कि मैं जो पर्चा में लिख रहा हूँ ये हनुमान जी महाराज जैसे प्रेरणा देते हैं वो मैं लिखता हूँ, और वो सत्य हो जाता है हनुमान जी के कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से। लेकिन इसी अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि बागेश्वर बालाजी के विरोध करते हैं, और टीवी पर आके ये बोलते हैं कि ये सब माइंड रीडिंग है, और हम भी माइंड रीडिंग करते हैं, कुछ लोग माइंड रीडिंग करते भी हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रकार के, अगर हम बात करें कि मस्जिदों की बात करें, तमाम प्रकार के शिया सुन्नी और तमाम प्रकार के लोग ऐसे हैं जो अवघड़ फवघड़ क्या कौन कौन से बाबा होते हैं वो लोग भी बताते हैं, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता है। हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाए? देखिए, जो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसी का विरोध होता है। जब श्री कृष्ण भगवान आए थे तो पांडरिक नाम का एक राजा था, वो स्वयं कृष्ण बनने लगा। हाँ। नकली चक्र सुदर्शन लगा लिया। हाँ। सुने आप लोग? हाँ, नहीं सुने हैं। हाँ। नकली चक्र सुदर्शन लगा लिया और बटन से फिट कर लिया, नकली गरुड़ वो भी उसमें पंखा उंखा लगा लिया। अब जो है झूठ मूठ में वो नाटक करता, चक्र सुदर्शन नचाता, मोटर से कहता मैं कृष्ण हूँ, 10-20 नारियों के साथ में बैठता। अरे वो क्या महाराज करेगा, वो नाटकी है, वो कहाँ कृष्ण ओरिजिनल नहीं है। अब काशी नरेश राजा जो थे वो कहे तो कह दो ना, एक पत्रिका भेजो, कहो कि तुम कृष्ण नहीं हो, कृष्ण मैं हूँ, नाटक बंद कर, अब बहुत नाटक हो गया। पत्रिका लेकर गए, चिट्ठी भगवान देखे तो कह रही, और उसमें लिखा था कि हम कल आएंगे, पौंड्रिक लिखा था कल आएंगे वहाँ मुलाकात करने। भगवान कहे देखिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कह दीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल भगवान है, मैं नकली हूँ तो मैं ही वहाँ चला जाऊँगा, क्यों प्रभु आएंगे, सेवक वहाँ जाएगा। वहाँ गए, कहे कि ठीक है अपना चक्र सुदर्शन चलाइए, वो अपना मोटर वोटर दबाया चलाया, कहे अब मेरा रोको, और जब भगवान कृष्ण चलाए तो उसका सर जो है कट गया और उसका उद्धार हो गया। अब अंतर यह है कि भगवान कृष्ण से जो द्वेष करता है उसका भी उद्धार, और जो प्रेम करता है उसका भी उद्धार। पावर है जी, पावर अग्नि है ना, उसको खूब प्रणाम करिए, खूब प्रणाम करके छूइए, देखिए वो जलाएगा। फिर जो है खूब गाली देकर छूइए तब भी जला, क्योंकि जो उसका काम है जलाना। सूर्य है ना प्रकाश दे रहे हैं, वो गंदगी पर भी उतना ही प्रकाश देते हैं और खूब पवित्र जगह पर उतना ही प्रकाश देते हैं। बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति सब पर प्रकाश समान देते हैं, तो ये लोग सामर्थ्यवान हैं, और प्रभु से जो द्वेष करे उसका भी भला और जो प्रेम करे उसका भी भला, भलाई दोनों में है। जी लिखा है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास नीति तु याचते अभयम सर्वभूते भ्यो ददाते तत्प्रतम। या रामचरित मानस को लीजिए तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। किसी तरह से जीव मेरे सन्मुख आ जाए मैं उसे डूबने नहीं देता, ये मेरी प्रतिज्ञा है, राम जी कहते हैं। अरे वाह क्या बात, किसी तरह से आ जाए मेरे सन्मुख, गाली देकर आ जाए या प्रेम करके आ जाए। शिशुपाल गिन गिन के गाली देता था कृष्ण भगवान को, लेकिन सायुज मुक्ति मिली। और ये भी शास्त्रों में आता है कि व्यक्ति कितना भी पापी हो, चाहे जितना भी पापी हो, लेकिन अगर मरते वक्त अगर भगवान के नाम ले ले तब भी उसका उद्धार हो जाता है, वो जरा से संदर्भ या चौपाई बता सकते हैं? नहीं देखिए समझने में अंतर है, हम थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं सबसे, हमारा सोच भी कुछ थोड़ा सा इधर उधर रहता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि जिंदगी भर पाप करो, जैसे वो था कौन सा कसाई था ना? क्या नाम था उनका जो है, नहीं अजामिल कान कुब्ज गोत्र का ब्राह्मण था, कन्नौज का। तो कई लोग कहते हैं जैसे कथा कोई कहने में भी थोड़ा सा इधर उधर कह देते हैं और कोई समझने में भी उल्टा समझ लेता है। वो अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, नारायण रख दिया। तो लोग का समझते हैं कि जिंदगी भर पाप किया और नारायण नाम रख दिया इससे उसकी मुक्ति हो गई, नहीं। नारायण नाम रखने से भगवान के पार्षद आ करके जमराज के दूतों से छुड़ा दिया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति के लिए फिर जाना पड़ा। मुख से कहने से तो जो काम था भगवान का नाम वो किया, लेकिन मुक्ति के लिए तो मन का जुड़ना बहुत आवश्यक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। यदि मन इस संसार के विषयों में आसक्त है तो बंधन है,
और मन इन संसार के विषयों से अनासक्त हो गया तो मुक्ति है। मन यदि भगवान में नहीं लगा तो रसना से केवल बोलने से काम चलने वाला नहीं। ओरिजिनल बात आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन से होना चाहिए। इंद्रियों का किया गया कर्म भगवान के क्षेत्र में नोट नहीं किया जाता है। मन यदि नहीं है इंद्रियों के साथ में तो ये वहाँ नोट नहीं किया जाएगा, चाहे पाप कर रहे हो चाहे पुण्य कर रहे हो। मन का होना नितांत जरूरी है। और ऐसा होता है संसार में, पाप कर्म करेंगे तो इंद्रियां साथ में रहती हैं, लेकिन यदि धर्म कार्य करेंगे तो इंद्रियां हट जाती, मन हट जाता है, भटक जाता है। कथम बैठेंगे मन भटक जाएगा, अभी बुरा कर्म कीजिए मन एकदम डटा रहेगा, लगा रहेगा, यही दिक्कत है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आज अब हम लोग थोड़ा एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि आज जो बिटिया साध्वी है, आप एक गर्भ की बात कर रहे थे कि जो गर्भ में होता है, तब बच्चे जब गर्भ में आते हैं तभी से उनके अंदर सारी चीज़ें आने लगती है। तो अगर कोई अपने बच्चे को भगवान के प्रति अगर आस्था दिलाना चाहता है, भगवान की भक्ति में अगर उनका मन लगाना चाहता है, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इस वीडियो को देखेंगी, तो वो किस प्रकार की पूजा पाठ को करें ताकि उनका बच्चा तेजस्वी और ओजस्वी। देखिए, सबसे पहले यदि पढ़ी लिखी हों तो वो रामचरित मानस पढ़ें और हनुमान चालीसा को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें और रामचरितमानस को खूब पढ़ें। यदि नहीं पढ़ी हैं तो केवल रामचरितमानस को रख करके नित्य प्रणाम करें तो गारंटी है असर पड़ेगा। हाँ। गारंटी है, मुझे पूरा विश्वास है कि असर पड़ेगा। हाँ, रामचरितमानस की एक चौपाई का संदर्भ सहित व्याख्या। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम, मैं इस जगत को जान करके मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, इस पर भी बहुत विवाद चल रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी वर्णों के लोगों से और सबको मैं प्रणाम करके कहना चाहता हूँ, हे मेरे प्यारे, सभी मेरे प्यारे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई हो, आपस में कृपया न लड़िए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए कि तुलसीदास जी जहाँ तक लिखे हैं तो वर्ण से शुरू करके और मानव पे समापन किए हैं। वर्णा पहला अक्षर पढ़िएगा रामायण में, वर्ण से शुरू हुआ है, मतलब किसी वर्ण के लोग के लिए रामचरितमानस है, हर वर्ण के लोग के लिए और हर वर्ण के लोगों के कल्याण के लिए मैं लिख रहा हूँ। और यदि जात पात मान लीजिए अंत में समझ रहे हैं तो फिर अंत में लिख दिए, ते संसार पतंग घोर के रण दही अंतिनो मानवा, हर मानव मात्र के लिए है ये रामचरितमानस, सबको कल्याण करता है। और यदि स्त्री को कोई कह रहा है कि सम्मान नहीं दिया गया है तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है, आप अपनी पत्नी का बात कदाचित नहीं मानते होंगे, क्योंकि आप लोग नहीं मानते हैं तभी ऐसे बात करते हैं कि हाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया गया है। तुलसीदास जी सबसे ज़्यादा संसार में सम्मान देने वाले पत्नी को तो तुलसीदास हैं। आपकी पत्नी रोज समझा रही है कि दारू मत पीजिए, रोज पीकर आकर गाली दे रहे हैं, और एक बार रत्नावली कह दी कि क्या महाराज हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लाज न आवत आपको दौर हुआ वो साथ, धिक धिक ऐसी प्रेम के कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं यह देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तय भय भी, क्योंकि ले जाकर दिखाए थे कि इसी मैं नाव से आया हूँ और जब देखे नाव नहीं है मुर्दा, डर गए। हाँ। अरे यही तो तू रसरी लगाई थी और जब देखे अजगर है डर गए। तब रत्नावली कही, अरे इससे कम भी प्रेम यदि राम में होता तो कभी डर नहीं लगता। इतना आदर दिए स्त्री को, अपने पत्नी को, एक बार कही और वहाँ से भगवान के तरफ चल दिए। आज जो लोग कह रहे हैं स्त्रियों को सम्मान नहीं दिए हैं तुलसीदास जी, वो मूर्ख हैं। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है, कहना पड़ेगा भाई, मूर्खता है ना महाराज। रोज आपकी पत्नी समझा रही है कि पी कर मत आप, दारू पी कर आ जाते हैं, सम्मान आप नहीं दे रहे हैं और तुलसीदास जी को दोष दे रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना करते हैं सभी अपने घर में माताओं को सम्मान दें और आदर दें तो आप लोगों के घर में लक्ष्मी का वास होगा और आप लोग आगे बढ़ेंगे। जय सिया। बात है महाराज।
जाते जवाते क्या कहना चाहेंगे सभी पूर्वांचल के दर्शकों के द्वारा? हम देखिए आपके जितने चैनल में लोग देखने वाले हैं, सबसे मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे बातों को और सुनना चाहते हैं तो अनुष्का पाठक जी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसमें हम सवाल जवाब भी लेकर के आते हैं। अरे वाह, जो सवाल लोग करते हैं उसका उत्तर भी दिया जाता है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हालांकि ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।